नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मोटो G64 5G मोबाइल में किसी भी ऐप्स को कैसे हाइड कर सकते हो। दोस्तों, किसी भी ऐप्स को अगर आप कैलकुलेटर में हाइड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेटर को ओपन करना है, अग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ग्रांट पे क्लिक करके इसको परमिशन दे देंगे। जैसे आप परमिशन दे दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ओके करना है या फिर गॉट इट कर देना है। आप दोस्तों आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। अब दोस्तों ये कैलकुलेटर आपके पास कैसे आएगा वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको आप यहाँ पर पासवर्ड डाल लीजिए और बराबर के निशान पर क्लिक करेंगे और फिर से वही पासवर्ड डाल देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, ऊपर एक स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, तो स्किप पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्किप कर देना है। अब यहाँ से ध्यान रखना, एक ऐड आ सकती है आपके पास, तो इस ऐड को आपको कट कर देना है। सिर्फ एक ही बार ऐड आएगी तो इसको आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो आप जिस भी ऐप्स को हाइड करना चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हाइड ऐप्स का एक ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ऐप्स आपके मोबाइल में होंगे सभी के सभी आप यहाँ पर हाइड कर सकते हो। हाइड करने के लिए सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इंटर करेंगे और यहाँ से आपको कैलकुलेटर को सेलेक्ट करना है, यानी कि कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लेना है। आप दोस्तों आपका काम हो चुका है, आपके ऐप्स हाइड हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप को हाइड कर दिया, तो देखिए व्हाट्सअप कहीं नहीं दिख रहा है। अब अगर आपको देखना होगा हाइड हुए ऐप्स को, तो ये कैलकुलेटर जो दिया गया इसी में जाना है और यहाँ पर अपना वही पासवर्ड डाल करके कंफर्म करना है। बराबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके हाइड हुए सारे के सारे ऐप्स ऊपर की तरफ शो हो चुके हैं। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन कैसे आएगी आपके पास, यानी कि कैलकुलेटर आपके पास कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद ऊपर यहाँ पर सर्च बार जो दिया गया, सर्च बार पर लिख देना है हाइड यू। हाइड यू कैलकुलेटर लिखोगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। सिर्फ यही एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करती है, इसी को आपको इंस्टॉल कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा।